ओम प्रकाश राजभर पंकज चौधरी। ओपी राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सहयोगी दल के नेता, जो अक्सर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, कभी भी और कुछ भी बड़ा दावा करने में माहिर हैं, लेकिन इनके दावों में कितना दम है कितना नहीं, वो अब साफ हो चुका है। देखिए, वो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चचा हैं, ठीक है ना। वो जो कह रहे हैं वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। ये वही चचा हैं जो इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता अखिलेश राहुल गांधी को बच्चा बता रहे थे। इतना ही नहीं, अभी हाल में राजभर ने अखिलेश राहुल गांधी के विदेश भागने की बात तक कही थी और अखिलेश को अपरिपक्व नेता बताया था और कहा था अखिलेश को घोसी के बारे में कुछ नहीं पता। वो जानते हैं कि चुनाव के बाद दोनों यहाँ रहेंगे नहीं, दोनों विदेश जाने वाले हैं और एक होटल वोटल खोले हैं, वहाँ अब जाएंगे, वहाँ मजा लेंगे, होटल का कि यहाँ रहेंगे, ये 46 डिग्री टेम्परेचर में बर्दाश्त करी हैं। देखिए, अखिलेश जी अपरिपक्व नेता हैं, उनको जानकारी धरातल की तो है नहीं, जब धरातल की जानकारी होती तब वो कहते तो समझ में आता। घोसी में उनसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी जाति है तो शायद यादव मुसलमान और भूहार के अलावा राजपूत के अलावा कुछ नहीं जानते, और कौन कौन सी जाति है। ओम प्रकाश राजभर किस गांव में कौन कौन सी जाति रहती है, किसको वोट दे रही है, एक एक गांव 2125 बूथ है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा घोसी में कितने बूथ हैं, कितने पोलिंग हैं। सुना आपने राजभर ने क्या क्या बोला, लेकिन अब इनके सभी दावे धराशायी हो गए हैं और ये बीजेपी के लिए नकारा साबित होते दिख रहे हैं। वैसे कि घोसी उपचुनाव में इनकी छड़ी का जादू नहीं चल पाया था, इसके बावजूद इन्हें अभी हाल में मंत्री पद भी दे दिया गया था, लेकिन फिर से राजभर ने बीजेपी को निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया, जिसमें उनकी भूमिका पर सवाल उठना अब तय है। घोसी सीट से राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में थे, लेकिन सपा प्रत्याशी राजीव राय के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। राजीव राय ने अरविंद राजभर को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। सपा को घोसी सीट से 4,10,000 से ज्यादा वोट मिले तो वहीं एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर को 2,64,000 के करीब वोट मिले। ऐसे में अब राजभर बुरी तरह से फंस गए हैं और अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जाल में बुरे फंसते दिखाई भी आगे देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।